44 ऑफ लॉ ऑफ वन, ये सेशन मार्च 28, 1981 को हुआ था, 1981 को हुआ था. तो सवाल पढ़ने से पहले पा आप प्रेयर कर लीजिए प्लीज. कर लेंगे? हाँ जी मैम जी. हाँ तो मैम सवाल है कि लॉ क्या है. जवाब है कि लॉ एक है. सवाल है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं. जवाब है कि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान लेना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं. सवाल है कि हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं. जवाब है क्योंकि रा उस अनंत रचयिता का और उस एक के ज्ञान का एक हम्बल मैसेंजर है. अब हम और रा मिलकर जितने लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर टीम्स पर हो या यूट्यूब पर हो, उनके दिलों पर, उनके घरों पर, उनके परिवारों पर और जिनकी वो वेलविश करते हैं उन पर इस अनंत रचयिता का से प्रेम, उसकी रोशनी का एक चक्र बनाते हैं और उस घेरे के अंदर हम इन सबको लाते हैं और बाहर से किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या नेगेटिव एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि लॉ एक है. अब करें मैम आप. थैंक यू उमेश जी. आपने हाथ ऊपर उठाया. रिकॉर्डिंग किया है, चालू कर दिया है मैडम. हाँ चालू किया है. कुछ और पूछना था? नहीं 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 वही वही पूछ. रिकॉर्डिंग का ही पूछना था ना? जी जी हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है. ठीक है ओके. सो पहला सवाल डॉन पूछता है, द इंस्ट्रूमेंट हैड सम क्वेश्चन टू हर वाइटैलिटी. अच्छा ये तो कार्ला के बारे में था, तो ये पढ़ूं? है तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट. आप सवाल पढ़ो, मैं जवाब दे देता हूँ. तो सवाल में तो यही है कि कार्ला की ताकत वगैरह एनर्जी जो है उसके वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो क्या आप इस पर कुछ बात करेंगे? रा से पूछता है वो. तो मैम रा कहता है कि वी स्कैन दिस इंस्ट्रूमेंट एंड फाइंड दैट वी मे बी ऑफ सर्विस विदाउट इंफ्रिंजमेंट ड्यू टू दिस इंस्ट्रूमेंट्स डिसीजन टू अबाइड बाय द मोस्ट केयरफुल अप्रेजल पॉसिबल रादर देन द मोस्ट डिजायर्ड. तो कहता है कि हम इस कार्ला को देख रहे हैं इस वक्त और हम कोशिश करेंगे इसका जवाब देने के लिए कि तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन भी ना हो, क्योंकि ये जो कार्ला है इसका जो है जो इसकी इच्छा शक्ति है उसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, इस बनस्पत इसके कि वो क्या चाहती है, वो अपनी चाहत को साइड में रख के इस सेशन को करने के लिए जो उसकी इच्छा शक्ति है उसकी वजह से ये हो रहा है. मतलब ये दिक्कत इसकी ऊर्जा ऊपर नीचे हो रही है. We have been surprised that we have been able to maintain contact on a regular basis during this most intense period of negatively influenced interference. Sexual energy transfers have had some workings, given this instrument additional vital resources upon which to draw. However, this is not so at this working, and therefore the will of the instrument drives this bodily complex. This instrument has no judgment about this service. The faculty of will, while recognized as most central and valuable, could this application cause serious distortion in bodily complex of the instrument? तो रा कहता है कि हम खुद हैरान हैं कि ये जितने भी अभी तक हम लोगों ने सेशन किए हैं उसके बीच में इन लोगों को एक्चुअली मैम रॉ वो ओरायन ग्रुप ने बहुत तंग किया था. तो वो कह रहा है कि इतना मतलब तंग होने के बाद और इतने इंटरफेरेंस के बाद कि इतना इंटरफेयर किया उसने, कह रहा उसके बावजूद ये कार्ला चले जा रही है आगे. कह रहे कि और अभी इसने जो सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस अभी किए हैं, कह रहे उसकी वजह से इसके अंदर कुछ ऊर्जाएं हैं जिनकी जो पैदा हुई हैं जिसका इस्तेमाल करके ये इतनी मतलब अभी भी ये जितने भी सेशंस हैं उनको कर पा रही है. और दूसरा उसने ये भी कहा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कार्ला है ना इसकी इच्छा इस काम को करने के लिए निस्वार्थ भाव से कर रही है, उस वजह से ये आगे चलती चली जा रही है, लेकिन उसका प्रभाव जाके उसके शरीर के ऊपर पड़ रहा है. और आगे कह रहे हैं कि इसकी अच्छी बात ये है कार्ला की, भाई ये इसके अंदर ना कोई जजमेंट नहीं है कि भाई ये लॉ ऑफ वन गलत है या सही है, इसको बस इसको चैनल करना है, इस वजह से ये करे चले जा रही है. और इसका जो जाके पड़ता है ना प्रभाव, वो कह रहे कभी कभी शरीर पे भी पड़ जाता है, तो इस वजह से ये दिक्कतें आ रही है. इसके आगे मैम वो बोलता है,
may we note that martyrdom is not necessarily helpful. We ask this instrument to examine these thoughts, judge and discriminate the possible truth of them. And if they be deemed true, we suggest this instrument release the power of judgment to the support group whose interests are balanced far, far more than this instrument. Allow decisions to be made without expectation or attachment to the outcome. Our hopes, may we say, for long-term contact through this instrument depend upon its maturing ability to be of service to other selves by accepting their help and thus remaining a viable instrument. तो रा कह रहा है कि हम इसे कार्ला को ये बताना चाहते हैं कि भाई दूसरों के लिए अपनी आहुति दे देना ये ठीक नहीं है. मतलब हम लोगों ने जितने अभी तक किया है सीखा है रा ने कह रहा वो ठीक नहीं है. हम उसे ये कह रहे हैं कि अपने दिमाग में से इस तरीके की सोच और इस तरीके की जजमेंट को हो सके तो निकाल दे. क्योंकि मैम कार्ला का ऐसा हो गया था कि इनकी लॉ ऑफ वन के सेशन देने के लिए ना वो इस लेवल तक सोचने लग गई थी कि अगर मैं इसको करते करते मर भी गई और आयन ने अटैक किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं करती रहूंगी. उसके दिमाग में ऐसा आ गया था. तो राव से ये कहता है कि हम ये कहेंगे कि इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, कह रहे इसको अगर वो अब इस ग्रुप पे मतलब डॉन और जिम के उस पर छोड़ दे कि ये जो कहें उसके हिसाब से कर ले तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि इन दोनों की सोच थोड़ी बैलेंस है. कारला तो बहे चली जा रही है, कारला को बहना नहीं है. इन दोनों से पूछ ले फिर उसके हिसाब से अपना जो भी जजमेंट है उसको ले. कहते हैं हम ये चाहते हैं कि भाई इस कारला के साथ ना लंबा हमारा रिश्ता रहे, ये सेशन चलते रहे, ना कि ये कि बीच में वो अपने आप की आहुति दे दे दूसरों के लिए और सेशन भी रुक जाए और इन्फॉर्मेशन भी ना ट्रांसफर हो पाए. और फिर आगे वो कहता है मे वी थैंक द क्वेश्चनर फॉर अलाउिंग अस टू स्पीक टू दिस पॉइंट फॉर वी वर अवेयर ऑफ द डिस्टॉर्शन इनकम्बेंट अपॉन वन हूज विल इज सर्व नॉट रेगुलेटेड बाई नॉलेज ऑफ लिमिटेशन ऑफ बॉडीली कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्शन. तो आगे कह रहा है कि इससे आगे हम डॉन को अलाउ करते हैं कि डॉन अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं. और हम जानते हैं कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो विभाजन दिमाग के अंदर आ जाता है जैसे कार्ला के अंदर आ रहा है, कह रहा है वो पॉसिबल है. लेकिन हम उसे ये भी दोबारा बताना चाहते हैं कि इन चीज़ों का ना शरीर पर जाके प्रभाव पड़ता है, जो थोड़ा सा अपना ध्यान रख कर चले. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो डॉन कहता है कुड यू प्लीज टर्मिनेट दिस कॉन्टैक्ट एज सून एज नेसेसरी सिंस वी आर नॉट अवेयर ऑफ द वाइटैलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट दिस टाइम. वो कहता है कि ये जो कॉन्टैक्ट है आपका कार्ला के साथ क्या आप इसे तुरंत खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो उसमें इतनी ताकत है कि नहीं आज का सेशन करने के लिए. तो हाँ, तो मैम रा कहता है इन योर वे ऑफ स्पीकिंग आवर हैंड्स आर टू अ सर्टेन एक्सटेंट टाइड. दिस इंस्ट्रूमेंट हैज कॉल्ड अपॉन इनर रिजर्व्स व्हिच आर डियरली बॉट. देयरफॉर वी हैव द ऑनर ड्यूटी ऑफ यूजिंग दिस एनर्जी टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी. व्हेन इट बिकम्स लो वी शैल मोस्ट सर्टेनली एज ऑलवेज एक्सप्रेस द नीड फॉर एंडिंग द वर्किंग. द ओनली वे ऑफ अवॉइडिंग दिस शेयरिंग ऑफ सर्विस एट वट एवर कॉस्ट इज टू रिफ्रेन फ्रॉम द वर्किंग. इट इज अ डिलेमा. तो रा ये कह रहा है कि देखो ये जो कार्ला है ना, हमारे हाथ ना इस वक्त तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ना बंधे हुए हैं, क्योंकि वो तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन करेंगे क्योंकि तुमने हो सकता है पूछा ना हो हमसे. कह रहे इस वजह से हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये जो कार्ला है ना, इसने जो अपनी ऊर्जाएं हैं वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो उसका शायद डॉन के साथ हुआ था या जिम के साथ हुआ था जो भी, कह रहे उसकी वजह से जो ऊर्जाएं उसके अंदर आया है, कह रहे कि उसने उसको संभाल के और उसका इस्तेमाल करते हुए आगे चल रही है. इसके हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि ये हमारे ऑनर और हमारा कर्तव्य है कि हम इसका ध्यान रखते हुए, इन ऊर्जाओं का ध्यान रखते हुए उसी हिसाब से काम करें कि हम इसके अंदर बेस्ट क्या अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे. कह रहे अगर ये नीचे गई ऊर्जाएं तो हम उसी वक्त ये सेशन खत्म कर देंगे. कह रहे कि इस तरीके की सर्विस जो होती है ना उसको खत्म कर देना ही सही रहता है, और उस वक्त जब ये ऊर्जाएं नीचे चली जाएं, जब जाने लग जाएं. कह रहे इसीलिए हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि हम खुद भी पीछे हट जाएंगे अगर हमें लगा कि कार्ला की ऊर्जाएं नीचे जा रही है. डॉन कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी अभी जब आपने बात करनी शुरू की तो मेरे कान में, मेरे बाएं लेफ्ट को क्या बोलते हैं, दाएं या बाएं, बाएं कान में, बाएं 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 कान में कुछ आवाज सी आई थी, तो ये आवाज क्या थी आप बता सकते हैं? हाँ, तो मैम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे ग्रुप में भी और भी आपके यूट्यूब चैनल पे जो लोग सुन रहे होंगे ना, हो सकता है उनके साथ ऐसा हो रहा हो. तो हाँ, इसको ध्यान से सुन ले.
ओरायन जब आपके करने की कोशिश करेगा ना आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, तो आपका जो उल्टा कान है ना, लेफ्ट साइड का, वहां पे टोन टाइप की सी सुनाई देंगी, जैसे हमिंग टोन से करके ऐसे करके वो एंटर करने की कोशिश करता है फिर आपके अंदर। तो यहीं पे था वो कह रहा है कि ये जो सिग्नल था वो नेगेटिव टाइप का सिग्नल था। ओरायन उल्टे कान से करता है, उल्टे कान से, याद रखना, उल्टे कान में अगर हमिंग टोन इस तरीके की आ रही है तो समझ लेना कि ओरायन आपको इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। इस चीज का आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। उल्टे कान में कोई मैसेजेस भी तो आ नहीं, सकते उल्टे हैं। नहीं, मैसेजेस भी आ सकते हैं, अभी वो बताएगा ना, इस पार्ट को पूरा समझाएगा वो। लेकिन जनरली क्या होता है कि जैसे हमिंग टोन होती है ना, जैसे एकदम से इस तरीके का साउंड उल्टे, हाँ, बीप टोन से उल्टे कान में आनी शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे आप समझ लेना कि ओरायन आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो डॉन पूछता है कि अगर ये नेगेटिव थी तो पॉजिटिव कैसी होती, कैसा सिग्नल होता है और मुझे कैसा सुनाई देगा, बताएंगे आप? हाँ, तो रा कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉजिटिव सिग्नल। फर्स्ट, इन द राइट ईयर लोकेशन द सिग्नल इंडिकेट्स अ साइन दैट यू आर बीइंग गिवन सम अंडरवर्डेड मैसेज सेइंग लिसन, टेक अ हीड। द अदर पॉजिटिव साइन इज द टोन अबव द हेड व्हिच इज अ बैलेंस्ड कंफर्मेशन ऑफ अ थॉट। तो राय ये कह रहा है कि देखो, जब भी तुम्हें पॉजिटिव तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन आएगा ना, तो जो तुम्हारा सीधा कान है ना, सीधा कान, उसमें तुम्हें ऐसा लगेगा कभी कभी जैसे किसी ने धीरे से ऐसे बोला, हेलो सुनो ध्यान से, तो इस तरीके का सुनो ध्यान दो। तो ये सीधे कान के अंदर ना, जैसे किसी ने धीरे से ना फुसफुसाहट की हो आपके कान के अंदर, फिर इस तरीके का आपको सिग्नल आएगा, क्योंकि ये कॉन्फेडरेशन जो होती है राइट, आपके राइट ब्रेन के अकॉर्डिंगली काम करती है, तो इसलिए भी आगे बताएगा वो। तो राइट कान में बोलेगी इस तरीके से, हेलो ध्यान से सुनो, इसका इसका वो करो, क्या कहते हैं, इस पे अटेंशन दो इस बात पे। तो राइट कान में करेगा धीरे से फुसफुसाहट करके। और दूसरा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपके दिमाग में अगर कोई सोच आ रही है ना, तो अचानक से सर के ऊपर से टिंग करके ऐसा ऐसा हो जाएगा, आपको एक टोन सी सुनाई देगी आपके सर के ऊपर, बिल्कुल सर का, जहाँ पे आपका कौन सा सहस्रार जो चक्र होता है ना, जो क्राउन चक्र होता है, वहां के आसपास कहीं पे आपको एक टोन से सुनाई देगी टिंग करके, या राइट कान में भी सुनाई दे सकती है आपको। तो वो कंफर्मेशन होती है कि हाँ, आपकी जो सोच है बिल्कुल बढ़िया है, बैलेंस सोच है आपकी, संतुलित सोच है, इसलिए वो कंफर्मेशन दे देते हैं टंग करके, वो हायर सेल्फ देता है वो। मैम अगला सवाल जी, एक सवाल पूछना था, सिंस यहाँ पर मैसेजेस की और टोन्स की बात हो रही है, थोड़ी सी मुश्किल है एक मेरे, मुझे ना दिन भर में एक आध बार, दो चार बार, कभी कभी ना घंटियां सुनाई देती हैं, जैसे ये छोटी सी घंटियां कोई बजा रहा हो ना, और प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो दरवाजा है, हाँ क्या चीज, मेरा जो मेरा जो मेन डोर है ग्रिल का दरवाजा, उसमें मैं कैसे बताऊं, उसके अंदर घंटियां लगी हुई हैं, तो हर बार मैं दिखाती हूं आपको मेरे दरवाजे पे ना, ये देखो आपको नजर आएंगी, ये घंटियां लगी हुई हैं, तो मुझे कई बार ये ऐसा लगता है कि अरे शायद कोई आया, किसी ने दरवाजे की घंटी मतलब खड़काई या कुछ, लेकिन असल में जब मैं देखती हूँ तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अब मैं ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ऐसी घंटियां भी कोई मैसेज हो सकती हैं क्या? मैम हो तो सकती हैं, जिस टाइम पे कभी ये घंटी बजे ना, तो आप ना उसी वक्त जब ये घंटी बजी हो, तो अपनी सोच को देखना कि आप उस टाइम पे क्या सोच रहे हो। अच्छा, क्योंकि ये लेफ्ट या राइट में नहीं होती, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में अच्छा। है या राइट में है, ये बस घंटी सुनाई देती है बिल्कुल प्रॉपर, ऐसे जैसे कि नॉर्मली किसी की आवाज सुनाई देती है, किसी की बात सुनाई देती है। अब वो एक दिक्कत और है कि मेरी बिल्डिंग में बिल्डिंग जब बन रही थी तो आग लग गई थी बहुत गंदी वाली, और काफी लोग मर भी गए थे, तो और पहले से भी पुरानी जमीन, तो हमारी बिल्डिंग में भूत बहुत है, और मेरे घर में तो उनको खास एंट्री, मतलब बहुत पसंद है उनको मेरा घर, तो आते जाते रहते हैं, तो अब वो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये घंटी बज रही है
तो ये भूत आया या कोई मैसेज आया, मेरे को नहीं समझ में आता कई बार। और मैं थोड़ी सी खैर, मैं अब तो मेरे पे असर करना छूट हो बंद हो गया है कि भूत आया भी तो ठीक है, आया जहां बैठा है बैठा रहे, मेरे को तब परेशान मत कर बस। और वो आते हैं बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं, ऐसे कुछ परेशान तो नहीं करते। तो वैसे आप मैम आपको एक चीज बताऊं, आपका जिस तरीके का बिहेवियर है ना, बड़ा चीयरफुल है आपका बिहेवियर। तो जिन लोगों के बिहेवियर चीयरफुल होते हैं ना, उनका बिहेवियर काफी हद तक कन्फेडरेशन जैसा होता है। कन्फेडरेशन का भी इसी तरीके का बिहेवियर होता है। अब हो सकता है, देखो एक बार हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप वॉन्डरर हो, तो इस केस में ये हो सकता है कि उनको आपको शायद तंग करना या कुछ करना पसंद आए। तो आप ऐसे मत, अभी राय इसमें ना क्लियर करेगा कि इस सिचुएशन में आपको करना क्या होता है, तो हो सकता है आपको आपका जवाब मिल जाए सेशन के अंदर। एक्चुअली बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, मुझे और मेरे बेटे को हम लोगों को वो दिखते भी हैं कि फलाना यहाँ बैठा हुआ है, फलाना यहाँ खड़ा। वो एक एक सेकंड के लिए होता है, लेकिन वो हमको नजर भी आते हैं। और एक पल के लिए नजर आया और फिर वो गायब, मतलब विजन गायब। और ये भी होता है। तो एक मेरा दोस्त है, उसको वो बातें करता है इन लोगों से। तो वो जब भी घर आता है वो बोलता है कि ये लोग बस तुम लोगों को नजर आते हैं, इसलिए वो आते हैं अपनी बात कहने। मैं तो बात बात करती नहीं ना, मैं कुछ करती हूँ, मैं ये है कि पता है ये जो गोल्स होती है ना, कभी कभी ट्रैप हो जाती हैं। तो इस तरीके के, जिस तरीके के आप हो ना, हो सकता है कि आपके थ्रू ये चाहते हो कि यार मुझे क्रिएटर की लव लाइट में ये आजाद करके भेज दे वहां पे, ये पॉसिबिलिटी होती है, फंस जाती है मैम ये सोल। हाँ, तो वो जब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये ट्रैप्ड है या कुछ है, तो मैं मतलब अपनी तरफ से स्पीकर ऑन है क्या, तो मैं अपनी तरफ से पूछ लेती हूँ कि भाई अगर ऐसा है तो मैं आर्कएंजल माइकल को प्रे कर देती हूँ कि इसकी सोल को अपनी लाइट में ले ले, इससे ज्यादा मैं अब क्या करूं। बट आई वॉज कंफ्यूज मैं ये घंटियों को लेके कि क्या ये भूत है या ये मतलब कोई एंजल्स या किसी के मैसेजेस हैं मेरे लिए, या ये घंटियां हैं भी या मेरे दिमाग में बज रही हैं, ये पूछने की कोशिश कर रही थी। देख लेते हैं, देख लेते हैं अभी सेशन में आगे क्या कहता है, शायद मिल जी, जाए जवाब। और अब मैंने जो देखा यहाँ पे, सेशन का नंबर है 44.4, सो 3/4, सो आई डोंट नो व्हाट दैट is trying to say that yes, that is a confirmation. तो डॉन पूछता है कि हालांकि हमने नेक्स्ट वाला करना था, आर देर एनी अदर नेगेटिवली ओरिएंटेड सिग्नल्स, तो ये जो आपने लेफ्ट कान में आवाज की बात की, इसके अलावा भी कोई नेगेटिव सिग्नल्स होते हैं जो मुझे आते हैं या आ सकते हैं? लो मैम आपका जवाब मिल गया ये लोग। तो वो कह रहा है कि हाँ दिस इज करेक्ट, यू आर एबल टू रिसीव थॉट फॉर्म, वर्ड फॉर्म एंड विजन, हाउएवर यू सीम एबल टू डिस्क्रिमिनेट। कह रहा हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें इनके थॉट फॉर्म्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। मैंने बताया था ना मैम, ये थॉट फॉर्म्स होते हैं, इसी स्पेस टाइम से बाहर निकल के आ सकते हैं, इसी स्पेस टाइम में वापस भी जा सकते हैं। कह रहे इस तरीके की शब्दावली भी तुम्हारे दिमाग के अंदर अचानक से आ सकती है नेगेटिव टाइप की, और हो सकता है तुम्हें कुछ नेगेटिव टाइप के विजन भी दिखने शुरू हो जाए। कह रहे हैं कि हालांकि हम तुम्हें बता दें, तुम इसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, मतलब इसे छोड़ सकते हो, ऐसा कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। एक्चुअली मुझे लग रहा है वो ये कह रहा है कि हाँ तुम्हें आते तो हैं, लेकिन तुम्हें उनका फर्क भी पता है कि वो सही है गलत है, या थॉट फॉर्म्स हैं या विजन्स हैं, वो तुम जानते हो, तुम्हें पता है, तुम्हें समझ में आती है ये बात, मुझे ऐसा मुझे लगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ रीजन दैट आई एम ओपन टू दी सिग्नल्स ऑफ अ नेगेटिव नेचर? हाँ यही कह रहा, यही कह रहा था, और इसमें ये भी कह रहा था कि हम तुम्हें ये कहेंगे इनके ऊपर ना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो वो डॉन पूछता है कि क्या मेरे पास इस तरह के नेगेटिव सिग्नल्स आने की कोई खास वजह है क्या? तो मैम रा बोलता है, तो रा ने अजीब सा जवाब दिया लेकिन अच्छा जवाब है क्या। तो रा उसे कहता है क्या तुम सब चीजें नहीं हो, तो फिर ये चीज क्यों नहीं हो सकती। तुम सब चीजें नहीं हो, मतलब तुम भूत भी हो क्या? मतलब उसने बोला था ना अपनी स्टेटमेंट में बोला था ना, यू आर ऑल थिंग्स,
यू आर ऑल बींग, तो उसी का उसका मतलब यही है कि भाई ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती है, अगर तुम एग्जिस्ट करते हो तो ये सब चीजें भी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, उसका ये मतलब सब इस पार्ट क्रिएटर की इंफिनिटी का पार्ट है। वी आर ऑल वन, तो तुम उनके साथ भी वन हो। हाँ ओके, हाँ I think that it might be a good idea if we terminated the contact this time to allow the instrument to gain more necessary energy. This is my decision at this time. I would very much like to continue the contact, but it seems to me, although I can't tell the instrument's level, that the instrument should not use up more energy. तो डॉन कहता है कि मेरे ख्याल से हमें कार्ला की और एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और हमें ये कॉन्टैक्ट इस वक्त बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसमें ताकत है या नहीं है। तो रा ने क्या कहा? रा कहता है, मैम, we are responding to an unasked query. However, it is most salient, and therefore we beg your forgiveness for this infringement. The energy has been lost to the instrument dedicated to this purpose only. You may do as you will, but this is the nature of the instrument's preparation for contact, and is the sole reason we may use it. कह रहे कि देखो ये सवाल तुमने पूछा नहीं है इस, और ये जो तुमने सवाल है इस सवाल के अंदर तुमने एक चीज है जो पूछी कुछ पूछा नहीं है, लेकिन ये काफी भोलेपन का सवाल है और हम माफी चाहते हैं हम तुम्हारी कि अगर हम इसका तुम्हारी आजादी का उल्लंघन करके गलती से इसका जवाब दें। तो कह रहे ये देखो जो ऊर्जा है ना इसकी, क्या कहते हैं कार्ला की, वो इसी पर्पज के लिए है कि वो इस सेशन को कर सके। कह रहे कि हालांकि हम तुम्हें कहेंगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसे कर लेना, कह रहे कि लेकिन हम तुम्हें ये बताएंगे जो कार्ला है ना इसने अपने आप को तैयारी इसलिए किया था कि वो इस सेशन को कर सके, इसीलिए उसकी ऊर्जा ऊपर नीचे अगर होगी तो हम तुम्हें सच में बता देंगे, तुम परेशान मत हो ज्यादा। मुझे नहीं लगता कि मैं डॉन कार्ला को ना बहुत प्यार करता था ये, एक्चुअली में ये दोनों एक दूसरे के साथ, हाँ अब याद आया, डॉन का और कार्ला का रिलेशनशिप था, एक दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, तो डॉन ज्यादा काफी कंसर्न हो गया था इसकी हेल्थ को लेकर, पर एक तो बार बार बोल रहा था वो। बहुत पहले एक सेशन में ये बताया था कि कार्ला ने जिम के साथ इंटिमेसी की थी। नहीं वो डॉन के साथ ही थी। अच्छा, जिम के साथ तो आगे जाके हो गई थी। सेशन में जिम कहा गया था। खैर, तो डॉन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बात को ठीक से समझा हूँ, क्या आप इसे किसी दूसरी तरीके से और पूरी तरीके से समझाओगे मुझे? तो यहाँ पे मैम डॉन वो रा कहता है, each of you in this working has consciously dedicated the existence now being experienced to service to others. This instrument has refined this dedication through a long experience with the channeling, as you term it, कहता है, of confederation philosophy, as you may say. Thus, when we first contacted this instrument, it had offered its beingness not only to service to other selves, but service by communication of this nature. तो रा कहता है कि मोटा माटी ये कह रहा है, रा कह रहा है कि देखो तुम तीनों जिस तरीके की तुम्हारी सोच है और जिस तरीके का तुम्हारा कर्म है ना वो दूसरों की सेवा के लिए ही है, तुम रियलिटी में अंदर से ऐसे ही हो तीनों के तीनों, कह रहा है। और ये जो कार्ला के साथ हमारा जो ये चैनलिंग का ये जो एक्सपीरियंस चल रहा है, ये जो अनुभव चल रहा है ना, कह रहा है कि काफी हद तक हमारे जो कन्फेडरेशन के लोग हैं ना उनकी फिलोसफी से मैच करता है बिल्कुल, कह रहा है। इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि जब हमने पहली बार तुम्हें कॉन्टैक्ट किया था ना, जब मतलब तुमने हमें कॉन्टैक्ट किया था और हमने तुम्हें कॉन्टैक्ट किया था, तो इस कार्ला ने ना अपने आप को ऑफर किया था जानबूझ के कि हाँ मुझे ये करना है, दूसरों की सेवा के लिए करना है। प्लस इसके साथ साथ तो उसने चाहती तो केवल दिमाग के अंदर कर सकती थी वो ये अपनी मेडिटेशन में, लेकिन उसने जानबूझ के अपने गले को भी ऑफर किया कि मैं अपने मुंह से बोलूंगी ताकि यहाँ पे डॉन और जिम दोनों इसको रिकॉर्ड कर सके। और इसके आगे वो कहता है, एट एज दिस कॉन्टैक्ट हैज डेवलप्ड द डेडिकेशन ऑफ बींगनेस हैज बिकम क्वाइट स्पेसिफिक, दस once the vital energy is dedicated by the instrument to our communication, even if the working did not occur, this vital energy would be lost to the day-by-day experience of the instrument. Thus, we indicate the importance of the instrument releasing of the will from the process of determining the times of working. For if the instrument desires contact, the energy is gathered and thus lost for ordinary or mundane purposes. So, वो कह रहा है कि देखो ये जो कार्ला है ना, कह रहा है इसने ये जो अपनी ऊर्जा का जो इस्तेमाल करती है ना वो केवल इसी काम के लिए करती है। इसकी अब इसके अंदर से ऐसा हो गया कि मैं केवल अपनी ऊर्जा को इसी काम के लिए इस्तेमाल करूंगी, कह रहे। और अगर तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, कह रहे, तो दिन पर दिन इसका प्रभाव जाके इसके ऊपर ही पड़ेगा। अगर इसने ये काम नहीं किया तो कह रहे वो इसके शरीर पे ही जाके पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी इच्छा शक्ति से कर रही है। कह रहे कि अगर
तुमने इसको रोका तो ये ना चीजें इसकी मतलब ये ऊर्जा तो इसके अंदर रहेगी और इकट्ठी होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी और वेस्ट होती चली जाएगी डेली डेली के कामों में, और वो एक अच्छा नहीं लगेगा, उसका इसके शरीर के ऊपर और दुष्प्रभाव पड़ेगा। अच्छा मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पढ़ रही हूँ। In that case, his energy is already lost. We might as well continue with the session, and we should carefully monitor the instrument to be the sole judge of the sessions. Should that occur, am I correct? So Don कहता है कि फिर इसका मतलब basically हमें ये session कर लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई या कुछ तो हम ध्यान रखें, बस और कुछ नहीं। तो रा कहता है कि हाँ ठीक है। पा सॉरी मैम, वो म्यूट पे बोल रहा था मैं। तो रा भी यही कहता है कि हाँ ये इस तरीके की जो तुम बोल रहे हो ना ये काफी बहुत बढ़िया बात है, कह रहे आगे ही चलते हैं वरना इसकी एनर्जी भी लॉस जाएगी और हम इन्हीं कामों में पड़े रहेंगे, इसलिए आगे चलते हैं। तो ये जान के हमें बहुत अचंभा हुआ, ये बात हमें पहले पता नहीं थी। यहाँ पे जो उसने बोला दिस इंस्ट्रूमेंट्स डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड हैज ऑलरेडी एक्सटेंडेड द लो एनर्जी पीरियड, इसका क्या मतलब हुआ? कि मतलब उसकी जो एनर्जी ऊर्जा थी ना कार्ला की वो लो तो थी, लेकिन वो जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस की वजह से बैलेंस बना हुआ था ना उसकी वजह से जो बची कुची ऊर्जा थी उसका इस्तेमाल करना चाहते थे ये लोग कि भाई सेशन खराब ना हो, सेशन तो कम से कम कर ही लो तुम लोग, क्योंकि डॉन बार बार मना करे जा रहा था और रा कह रहा था कि टाइम वेस्ट ना करके जो ऊर्जा बची हुई है उसका इस्तेमाल कर लो तुम लोग। तो डॉन कहता है कि हम तीनों को, हम सबको सिग्नल्स तो आते रहते हैं और सपने भी आते हैं। आई हैव बीन अवेयर ऑफ क्लेरऑडियंट कम्युनिकेशन एटलीस्ट वंस इन वेकिंग अप। मैं जब भी सोके उठता हूँ तो कम से कम एक बार तो मुझे कोई ऐसा मैसेज आता है जो मुझे सुनाई देता है, मतलब कान में मैसेज आता है, मतलब coded messages जो होते हैं। Can you suggest a method whereby we might, shall I say, nullify the effect of the influence that we don't want from a negative source? क्या ऐसा कोई तरीका है कि अगर negative message आए Orion वगैरह की तरफ से तो हम उसके झांसे में या उसके बहकावे में ना आ सकें? ऐसा कोई तरीका है? ये important है, पता है? ये important है। जो इतने सवाल पूछा है तो वो कह रहा है कि मेरे को कुछ क्लेयरवॉयडेंट मतलब आगे की भविष्य की होने वाली चीजें, उस तरीके की चीजें मेरे को नजर से आने लग जाती हैं। नहीं, और वो कह रहा है कि हमें तरीका बताओ कि नहीं, क्लेयरवॉयडेंट का मतलब होता है जैसे कान में आवाज आती है ना तो मैसेजेस सुनाई देना। मैसेज क्लेयर सेंटिएंट होता है कि महसूस करना, जैसे आई एम अ क्लेयर सेंटिएंट, मुझे फीलिंग होती है। ऐसे कुछ लोगों को विजन्स आते हैं, कुछ लोगों को सुनाई देता है, तो मैं क्लेयर ऑडियंट भी हूँ, क्लेयर सेंटिएंट भी हूँ। कुछ लोगों को मेरा एक नोज का, उसका भी कुछ ऐसा ही नाम है, मुझे याद नहीं है, स्मेल मेरी बहुत तेज है, माय नोज स्मेल पावर इज वेरी स्ट्रांग। तो क्लेयर ऑडियंट का मतलब होता है कि ऑडिटरी, मतलब मुझे मेटाफिजिकल मैसेजेस जो हैं एंजल्स के, गॉड के, वो मुझे सुनाई देते हैं। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट, आप सही कह रहे हैं। हाँ तो खैर इसका जवाब वो आगे देता है, कहता है देर आर वेरियस मेथड, मतलब ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाली जो चीजें होती हैं ओराइन वाली, इनको इनको वो करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है वो भी बताएगा। There are various methods. We shall offer the most available or simple. To share the difficult contact with the other cells associated with this working and to meditate in love for these centers of images and light for cells and other cells is the most available means of nullifying the effect of such occurrences. So, ma'am, पहले बात तो उसने यही बोल दी कि जब भी इस तरीके की चीजें तुम्हारे साथ negatively अगर कुछ चल रहा हो ना तो उसी time पे हल्की सी आँख बंद करके ना एक meditative state के अंदर से चले जाओ, और जो इस तरीके की इमेजेस और ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस तुम्हें भेज रहे हैं ना उन्हें उस रचयिता के प्रेम और रोशनी में उनका स्वागत करके उनको अंदर ही लेके आ जाओ उसके, यार इससे ना उनका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। और मैम आपने नोटिस किया होगा ग्रुप के अंदर भी मैम काफी लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। जैसे अभी मेडिटेशन चल रही थी तो आई थिंक पिनाकी ने बोला था कि दादा मैं दो बार कर रहा हूँ और दोनों बार मेरे कान में आके कोई ऐसे बोल रहा है मेडिटेशन में
कि तू इसको ज्वाइन मत करना वरना तू मर जाएगा, कह रहे तो इस तरीके की चीज आ रही है। हाँ अभी पिनाकी ने मैम दूसरे वाले ग्रुप में डाला था, तो मैंने उसको बोला था कि कुछ मत कर, अगली बार ऐसा हो ना मेडिटेशन में तो ये करना कि उसको बोलना भाई हम तेरा स्वागत उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं और आके हमें इस मेडिटेशन में ज्वाइन कर ले, तू भी हमारे हम तेरे को भी रचयिता की तरफ। जब मैं कल कह रही थी कल या परसों कि मेडिटेशन करते वक्त जो बलून बनाते हो वो तो ठीक है, लेकिन बैठने से पहले वो वायलेट फायर का रिंग बना लो या आके एंजल माइकल को बोलो कि आपको प्रोटेक्ट करे, ये होता है, ये करना जरूरी। हाँ बोलिए। हाँ तो मैम आगे वो और कहता है कि टू डाउनग्रेड दीज एक्सपीरियंसेस बाय द यूज ऑफ इंटेलेक्ट और डिसिप्लिन ऑफ विल इज टू इनवाइट द प्रोलॉन्गिंग इफेक्ट far better than to share the trust share in trust such experience and join heart and soul in love and light with compassion for the sender and armor for the self. कह रहा है कि अगर तुमने इसे बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी जो इंटेलेक्चुअल जो तुम बनने की कोशिश करते हो ना कि अपने ज्ञान तुम बहुत ज्ञानी बनने की कोशिश करते हो और अपनी इच्छा से कि जी मैं तो लड़ लूंगा इससे और ये और वो है, कह रहा है अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो कह रहा है ये और ज्यादा होता चला जाएगा, तो इनसे लड़ना नहीं होता है। कहते हैं कि लड़ोगे तो ये तो चाहते ही है कि तुम इनसे लड़ाई करो तो ये तुम्हें खींच लेंगे उस लड़ाई के अंदर। कह रहे सबसे बढ़िया तरीका तो ये रहेगा कि जब इस तरीके का हो तो उन्हें उस रचयिता के प्रेम और रोशनी में अंदर बुला लो और उन्हें बोलो भाई हम तेरे से भी दिल लगाते हैं कि आ जा भाई हम तेरा भी स्वागत करते हैं उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में और उसको भी सहानुभूति दो अपनी और खुद के अपनी चेस्ट पे एक तरीके से सोच लेना कि तुमने एक आर्मर लगा लिया है उस मतलब एक कवच लगा लिया अपनी छाती पे उस अनंत रचयिता की प्रेम और रोशनी का और फिर उन्हें बुलाओगे ना उसके अंदर कह रहे तो फिर वो चले जाएंगे, लेकिन अगर तुमने बुद्धि का इस्तेमाल करके लड़ने की कोशिश की इनके साथ कह रहे तो ये तुम्हें लड़ाई में खींच लेंगे अंदर, कह रहे ये गलती मत करना बस। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सोर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ड्रीम ऑफ दिस मंथ शी टोल्ड मी कार्ला ने आज सुबह उठते ही मुझे जो अपने सपने के बारे में बताया था वो सपना इसको किसने भेजा, वो मैसेज सपने में इसको किसने भेजा? तो मैम रा बोलता है द फीलिंग ऑफ द ड्रीम शैल बी से वाज ओरियन इन्फ्लुएंस द क्लोथिंग ऑफ द ड्रीम रिवीलिंग मोर द इंस्ट्रूमेंट्स अनकॉन्शियस एसोसिएटिव पैटर्न्स ऑफ सिंबोलिज्म। तो कहता है कि ये जो ड्रीम कार्ला ने किया है ना जो फीलिंग्स उसको मिली है उस ड्रीम के अंदर सपने के अंदर कह रहा है वो ओरियन ने भेजी है उसको, ओरियन ने की थी वो कह रहे और इस सपने के अंदर उसने चुपचाप क्या किया पीछे से उसको सिंबल्स और ये सारी चीजें दिखानी शुरू कर दी ताकि उसको ये लगे कि अरे ये सिंबल्स तो सारे मेरे भाई कार्ला भी मैम सिंबल्स का इस्तेमाल करती थी, क्रॉस हो गया ये हो गया पेंटाग्राम हो गया ये सारी चीजें वो इस्तेमाल करती थी इनको, तो कह रहे कि पीछे से इनके पीछे से छुपके अपनी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा था इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके वो, क्योंकि वो उस कार्ला के जो दिमाग है ना अनकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के अंदर वो सिंबल्स हैं तो उनका इस्तेमाल करके वो इस सपने में वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था। ये क्लोथिंग ऑफ द ड्रीम रिवीलिंग मतलब क्या? हाँ वही ना कि उसको एक तरीके से क्लोथ कर रहा था सिंबल्स उसे दिखा रहा था ताकि कार्ला उससे अपने आप को रिलेट करे और पीछे से चुपचाप अपनी इंफॉर्मेशन चुपके करता है ना मैम ओरियन ग्रुप चुपके काम करता है खुल के सामने नहीं आता है, खुल के सामने आएगा तो उसे पता है मारा जाएगा वो क्योंकि लाइट से प्रॉब्लम है ना मैम, इसको मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था अगर कोई ने प्रेम और रोशनी में खींचता है ना इनका अस्तित्व खत्म होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए ये लोग लाइट और रोशनी वाले जो लोग इनको बुलाते हैं ना उसमें प्रेम और उसमें रोशनी में वहां से भाग जाते हैं ये लोग। इन मेडिटेशन अ नंबर ऑफ इयर्स अगो माय आर्म स्टार्टेड टू ग्लो मूविंग रैपिडली इनवॉलंटरी व्हाट वाज दैट? कुछ साल पहले काफी साल पहले एक बार मेडिटेशन करते वक्त मेरा हाथ जो है वो चमकने लग गया था और अपने आप ही बहुत ज्यादा हिलने लग गया था, वो क्या था? हाँ तो इसका हाथ में चमकते हुए कांपने लग गया होगा, तो ये कह रहा है कि अचानक से बड़ी तेजी से खेलने हिलने मिलने लग गया था मेरा हाथ। तो राव से जवाब देते हैं, द फिनोमिनन वाज एन एनालॉजी मेड अवेलेबल टू यू फ्रॉम योर हायर सेल्फ। द एनालॉजी वाज दैट द बीइंग दैट यू वर was living in a way to understood by shall we say physicists scientists or doctors. कह रहे कि ये जो फिनोमिना था ना ये तुम्हें बताया गया था तुम्हारे ये एक साइन था एक तरीके से जो तुम्हारे हायर सेल्फ ने तुम्हें दिया था
और वो तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि पिछले जन्म में या किसी ना किसी जन्म में जो तुम थे ना, किसी ना किसी जन्म में या तो तुम एक, इसी जन्म में द एनालॉजी वॉज दैट द बींग दैट यू वर वॉज लिविंग इन अ वे नॉट अंडरस्टूड बाय शेल. हाँ, तो वो कह रहा है कि इसी जन्म में जो तुम पहले की जिंदगी जो जी रहे थे ना, वो ये बताने की कोशिश कर रहा था तुम्हें कि वो तुम जो कर रहे हो, मतलब मेडिटेशन और ये सारी चीजें कर रहे हो और ये इस तरीके के अनुभव जो तुम्हें मिल रहे हैं अपने मेडिटेशन वाली स्टेट में, कह रहे वो कोई भी किसी भी तरीके से एक फिजिसिस्ट, एक साइंटिस्ट और या कोई डॉक्टर अगर तुम उसके साथ जाओगे ना तो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे साथ चीजें हो रही हैं. What I'm trying to get at in this session is any practices that we might be able to do to best revitalize the instrument, for it is going to be necessary to do all we can to do this in order to maintain our contacts. Main ye janne ki koshish kar raha hu ya karne ki koshish kar raha hu ki is session mein kya hum aisa kuch bhi kar sakte hain jisse Karla ki urja jo hai wo badh jaye aur ये कॉन्टैक्ट जो है वो बना रहे. कैन यू टेल अस व्हाट वी कुड डू बेस्ट टू इंक्रीज द इंस्ट्रूमेंट्स वाइटैलिटी फ्रॉम दीस कॉन्टैक्ट्स, फॉर दीस कॉन्टैक्ट्स? तो आप मुझे बताएंगे कि हमें उसकी मदद कैसे करनी चाहिए या हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? तो मैम राज जवाब देता है, योर एक्सपीरियंस वाज अ फंक्शन ऑफ योर एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट इंटेलिजेंट, वाज अ फंक्शन ऑफ योर एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट इंटेलिजेंट इंफिनिटी. Therefore, it does not have a direct bearing upon this instrument, vital energy. तो कह रहे ये जो तुम्हारा अनुभव चल रहा है ना, वो इस वजह से चल रहा है क्योंकि अब कार्ला का जो कनेक्शन है ना, वो रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता से हो चुका है. कह रहे इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि इसकी जो ऊर्जा है ना, इसकी कार्ला की, कह रहे वो काफी हद तक इसमें ज्यादा लगेगी और वो बैर भी कर लेगी. तुम टेंशन मत करना कि वो नहीं कर पाएगी, इसको संभाल नहीं पाएगी, कह रहे वो संभाल भी लेगी. We have spoken before of those things which aid the instrument in the vital energy. The sensitivity to beauty, to the singing of sacred music, to the meditation and worship, to the sharing of self with self in freely given love, either in social or sexual intercourse. These things work quite directly upon the vitality. The instrument has a distortion towards appreciation of variety of experiences. This in a less direct way aids vitality. तो ये कह रहा है कि हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि कार्ला को की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए उसको क्या क्या कर सकती है. वो कह रहा है एक तो उसको ब्यूटी, हर चीज के अंदर खूबसूरतता दिखती है. तो कहते हैं कि एक तो वो जो वो कर रही है उसको कर लेने दो. कह रहे दूसरा वो जिस तरीके के भजन वगैरह गाती है, कह रहे वो भी बहुत सही है, कह रहे वो भी उसके काम की चीज है. कह रहे वो जो मेडिटेशन और जो पूजा वगैरह प्रार्थना वगैरह करती है, कह रहे वो भी उसके बहुत काम की है, उससे भी उसकी ऊर्जा बनी रहेगी. कह रहे दूसरा अपने आप को फ्रीली खुश होके खुला होके दूसरों को प्रेम दे, और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी वो कर रही है वो भी खुल के और प्रेम से करे, उसके अंदर हेजिटेशन या कोई वो नहीं होनी चाहिए. कह रहे और हम तुम्हें बता दें ये सारी चीजें ना इसकी ऊर्जा के लिए बहुत बढ़िया है और काफी हद तक इसकी ऊर्जा के लिए ही काम कर रही है. कह रहे कि इसके आगे कहते हैं कि इसकी आदत है हर चीज को, कार्ला की आदत है हर चीज को ना एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट करने की और उस एक्सपीरियंस को बताने की कि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया. मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी तो भी उसको अपने पार्टनर को बताएगी मुझे ऐसा है. बताने की नहीं बोल रही, हर तरह का तजुर्बा, उसे शौक है, मतलब उसे अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. हाँ सॉरी तो वो कह रहे हैं कह रहे कि ये जो चीज है ना ये डायरेक्टली उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के काम आती है. तो आई वाज लुकिंग एट द डायग्राम ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ मैजिकल प्रैक्टिसेस स्टार्टिंग फ्रॉम मालकोट्स टू एंडिंग एट कीथर. तो वो कहता है कि मैं कुछ डायग्राम्स देख रहा था, मैं आपको दिखाती हूँ वो डायग्राम. एक मिनट, इधर है मेरे पास. वो कहता है कि मैं कुछ डायग्राम्स देख रहा था जहां पे कुछ जैसे मैजिकल प्रैक्टिसेस, ब्लैक मैजिक कह लो, व्हाइट मैजिक कह लो या कुछ भी कह लो, इस तरह की कुछ चीजें हैं जो मालकोट से शुरू होके कीथर पे खत्म होती हैं और कीथर पे ही दोबारा मालकोट को माना जाता है. आई वाज वंडरिंग इफ दीस कॉरेस्पॉन्ड टू द कलर्स ऑर द डेंसिटीज विद मालकोट एज वन, यसोड इज टू, हॉड एंड नेज़ैक बीइंग थ्री,
चिपरित फोर एंड सो ऑन. तो वो कहता है कि मैं जानना चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि क्या ये चक्र के जो कलर होते हैं या डेंसिटीज होती हैं, डेंसिटीज क्या कहते हो आप इसको, डेंसिटीज को घनिष्ठता से कोई ताल्लुक रखता है क्या. अब ये है वो डायग्राम, इसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोला जाता है. ये यहाँ से मॉलकॉट से शुरू होता है, ये यहाँ पे कीथर है. न्यूमरोलॉजी में इट इज स्टार्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसको दोबारा कीथर से जो खत्म होता है, ये मालकोट यहाँ से दोबारा शुरू होता है. और अगर आप देखेंगे ये जो इसके आसपास डायग्राम्स बने हुए हैं, ये इसी को आप नीचे फिर से शुरू कर लो, इस तरह से ये चलता जाता है. इसका ताल्लुक है इससे, मैं बताती हूँ, इसका ताल्लुक है इंसान के, ये है आपका पेंटाग्राम, ये है इंसान का शरीर और ये है उसके चक्र. तो ये इंसान की जिंदगी से ताल्लुक रखता है. ये जो पेंटाग्राम है, न्यूमरोलॉजी के सारे नंबर्स इसके आसपास घूमते हैं. और ये टैरो के जो कार्ड्स हैं, ये दो चक्रों के बीच, ये जितने भी चक्र यहाँ पे आप कलर्स देख रहे हो, टैरो के जितने कार्ड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स का ये रास्ता होता है. यहां से यहाँ एक कार्ड माना जाता है, यहां से यहाँ एक कार्ड माना जाता है, तो वो रास्ता माना जाता है. ये कबाला में या कैबलिस्टिक जो रिलीजन है या साइंस है उसमें माना जाता है. तो अगर आप देखोगे कि ये इंसान जो ऐसे खड़ा है, उसकी ये दोनों टांगे और ये हाथ ऐसे ऊपर, इसके पीछे एक साइंस है. तो मालकोट से ये शुरू होता है, मैं इसको छोटा करती हूँ एक मिनट. मालकोट से ये शुरू होता है, यहाँ आता है यसोड, हॉड, नेजैक, टिपरेत, इस तरह से करते करते यहाँ कीथर. हाँ, नाउ यू कैन कंटिन्यू पा. मैम इसका जवाब आप ही लोगे. मैं सच बताऊं आपको एक चीज बोलूं, वो तो आप हो इससे जवाब दे पा रहे हो, हमने तो स्किप ही कर दिया था ये पार्ट, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है पूछ क्या रहा है इसके अंदर. क्योंकि आपको ये इस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज आपको है ना मैम, इसका आंसर भी पढ़ के अगर जवाब आप ही दो ना, इट वुड बी बेटर, क्योंकि आपको इसकी नॉलेज है. मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि कबाला मैंने बहुत बार किया लेकिन पूरी तरह से तो मेरे भी सर में नहीं घुसा. तो दिस इज बेसिकली इनकरेक्ट, ऑल्दो यू आर अपॉन द करेक्ट ट्रैक ऑफ थिंकिंग. वो कहता है कि आप सही ट्रैक पे हो लेकिन जो आप कह रहे हो वो गलत है. ईच ऑफ दीज स्टेशंस हैज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शेडिंग ऑफ एनर्जी सेंटर्स एज वेल एज सम पार्ट इन वेरियस बैलेंसेस. ये एक मिनट में इसको खोलती हूँ. ये जो सेंटर्स हैं, ये जो बने हुए हैं चक्र इसके ऊपर, लेफ्ट करोगे नजर नहीं आ रहा, थोड़ा लेफ्ट करोगे नजर नहीं आ रहा, हमें भी सीखना है क्या चीज है. यहीं पे तो है, शेयर ही किया मैंने. वो एक्चुअली क्या है, इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर ना पूरा आ नहीं रहा है. आप एक काम करो, या तो इसको नीचे कर दो, क्या कहते हैं ये, इसको अब नीचे थोड़ा सा नजर आया. हाँ बस ठीक है, इससे सर. अरे अब राइट हो गया, अब राइट, लेफ्ट करो, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट. हाँ अब सही है, अब बताना. अच्छा तो मैं सही है बताना. तो वो कहता है कि ये जितने जो पॉइंट्स है ना, अगर आप देखोगे ये एक मंडला है. वो जो क्या, एक बार एक आपने कुछ बताया था ना, पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स और सनफ्लावर में, और उसको क्या एक पर्टिकुलर नाम है उसका आपने लिया था. तो ये मंडला इस तरह से बनाया जाता है. तो इसके जो पाथ हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसके बीच में जो बने हुए हैं, ये स्टेशंस जो हैं, इनके अंदर ये रंग आपको जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन उसके अलग अलग शेड्स हैं. वो एक ही रंग ऐसा नहीं है. अगर आप देखोगे ध्यान से तो बीच में कुछ और कलर है, फिर उसके बाहर कुछ और कलर है, बाहर की तरफ कुछ और कलर है. तो वो कहता है कि इसके शेडिंग है एनर्जी सेंटर्स में, और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग
हिस्सों को बैलेंस करता है, द लोअर एंड द मिडिल एंड हाई एंड द टोटल बैलेंस, इस तरह से नीचे से लेके ऊपर तक इसको ये बैलेंस करके चलता है. दस देर आर कॉम्प्लेक्स कलर्स और रेज एंड कॉम्प्लेक्स चार्जेस इफ यू विल इन ईच स्टेशन. यहाँ पे यहाँ पे ये जो हर स्टेशन है, ये वाला जो फोटो है, ये मैंने एक्चुअली इसलिए डाउनलोड किया था कि अभी जब डॉन पूछ रहा था मैम वो फोटो चला गया, ये लड़की कान जो दबा रही है ये वाला फोटो आ रहा है. हाँ मैं वही बता रही हूँ कि ये कान जो दबा रही है ये मैंने इसीलिए डाउनलोड किया था दिखाने के लिए कि जब आपको कान में आवाज आती, जैसे इस वक्त मेरे कान में बड़ी जोर की आवाज आ रही है राइट साइड में, और कई बार मैं टैरो सेशंस कर रही होती हूँ तो उसके बीच भी मुझे राइट साइड में इतनी जोर से आती है और इतनी लाउड आती है कि मुझे अपना कान पकड़ लेना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये फोटो डाउनलोड किया. हां तो मैम राइट साइड से तो कन्फेडरेशन ही करती है ना, राइट साइड से तो कन्फेडरेशन या आपका हायर सेल्फ ही बात कर रहा है. समझी. मैं ये कह रही हूँ कि वो फोटो मैं दिखाना चाह रही थी. वैशाली ने हाथ ऊपर किया. वैशाली क्या सवाल था? मैम कुछ स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है. पा आपको दिखाई दे रहा है? हाँ मैम दिख रहा है, लेकिन जो वो है ना सेशन दिख रहा है. हाँ दिखिए मेरे को आपकी दिख रहा है ना वैशाली, एक बार वो जो आप बता रहे हैं ना वो चक्रो, वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं खाली वैशाली हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो, थोड़ा रीस्टार्ट करके देखो. ओके थैंक यू. सो वो कहता है कि ये जो कलर्स वगैरह होते हैं ये बेसिकली एक दूसरे को, नीचे वाला ऊपर बीच वाले को, बीच वाला ऊपर वाले को, ये इस तरह से एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए ये बनाए जाते हैं. तो ईच स्टेशन मतलब हर मुकाम पे. ओके डज द लेफ्ट हैंड पाथ ऑफ दिस रिप्रेजेंट द सर्विस टू सेल्फ पाथ मोर एंड द राइट हैंड पाथ सर्विस टू अदर्स, दिस इज द लास्ट क्वेरी. अच्छा अब वो कहता है कि लेफ्ट हैंड का एक है, राइट हैंड का एक है, यहाँ पे तीन चक्र है, यहाँ पे तीन चक्र है. तो डॉन ये पूछ रहा है कि जो लेफ्ट साइड में है क्या वो सर्विस टू सेल्फ और राइट साइड वाला सर्विस टू अदर्स को मतलब रिप्रेजेंट करता है. तो ये डॉन रा कहता है कि गलत है. वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड ये टैरो में भी इस्तेमाल होता है और न्यूमरोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है. इसे दो पिलर्स बोले जाते हैं और ये पिलर्स होते हैं पिलर ऑफ सिवेरिटी एंड पिलर ऑफ मर्सी के. मतलब एक इंसान में अगर ये वाले नंबर्स ज्यादा हैं तो वो इंसान बहुत स्ट्रिक्ट होगा, जैसे कि आप सब मुझे प्रिंसिपल बोलते हो, और एक इंसान जिसमें ये नंबर्स ज्यादा हैं वो इंसान बहुत फॉरगिविंग होगा, मर्सी इसलिए बोला जाता है, वो हर एक को कोई, जैसे कि आप हो पा, हर एक को माफ कर देते हो, किसी को कुछ नहीं कहते हो. और जिसके नंबर्स ये मिडिल वाले में ज्यादा हैं, या यूं समझ लो कि यहां पर भी हैं लेकिन मिडिल वाले में हैं ज्यादा, वो पिलर ऑफ बैलेंस बोला जाता है, ये बीच वाला. हाँ रत्ना पूछो. मैम ये जो आप न्यूमरोलॉजी का बता रहे हो तो यहाँ पर हम अपनी क्या जो डेट ऑफ बर्थ फिट करनी है मैम, यहाँ पर जो हमारी बर्थ डेट है वो रखना है मैम यहाँ पर? हाँ डेट ऑफ बर्थ होती है पर उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके अलग अलग टोटल होते हैं आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में, तो इस वक्त तो आपको ये समझाना थोड़ा मुश्किल है. बट लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद द आंसर. दीज स्टेशंस आर रिलेशनशिप्स, जैसे कि मैंने आपको कहा. अब मैं आपको बताऊं, ये है यूनिवर्स क्रिएटर, ये है फादर, ये है मदर, इस तरह से ये आगे बढ़ता है मेरे ख्याल से. ये सॉरी फादर मदर और चाइल्ड, फादर मदर और चाइल्ड, इस तरह से होता है. तो वो कहता है ये स्टेशंस जो हैं ये रिश्ते हैं, और इसके बीच में जो ये है ना, इसमें और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, अगर आप गौर से देखोगे इसके और इसके बीच में भी एक लाइन बनी हुई है, इसके और इसके बीच में भी एक लाइन बनी हुई है, और इसके बीच में भी एक लाइन बनी हुई है.
तो ये जो सारे रिश्ते होते हैं, रिश्तों के अलावा यहाँ पे अगर आप टैरो के कार्ड्स मतलब टैरो जिन्होंने कबाला सीखा है या समझा है वो इस बात को समझा सकेंगे कि उप्स ये जो रास्ता है इसमें लड़का औरत टीचर जो मेजर आर्काना के कार्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं, और क्योंकि मेजर आर्काना के कार्ड्स एक्चुअली 22 हैं लेकिन यहाँ पे नंबर्स तो 10 हैं लेकिन इनके रास्ते बहुत सारे हैं, और कुछ इसमें कोर्ट कार्ड्स यूज होते हैं, मतलब जिनको टैरो आता है उनके लिए कह दूं नाइट हो गया, पेज हो गया, क्वीन हो गया, किंग हो गया, एम्परर, एम्प्रेस, फूल, हायरोफेंट, इस तरह से। तो ये रिश्ते होते हैं, ईच पाथ हैज दीज रिलेशनशिप्स ऑफर्ड, द इंटेंट ऑफ द प्रैक्टिशनर इन वर्किंग विद दीज पावरफुल कॉन्सेप्ट्स डिटरमिन्स द पोलैरिटी ऑफ द वर्किंग, द टूल्स आर द टूल्स। ये जो इंसान इसके ऊपर काम कर रहा है उसका जो इंटेंशन है वो जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है, इंटेंट ऑफ द प्रैक्टिशनर इन वर्किंग विद दीज पावरफुल कॉन्सेप्ट्स। अगर एक इंसान इनके साथ काम कैन वर्क ऑन दिस, आई एम सॉरी बट आई हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी वर्किंग ऑन दिस, सो मैं इसे डिटेल में नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन ये बहुत पावरफुल टूल्स है। मैंने आपको उस दिन बोला था मेरी एक बुक है जो मैं यूज करती हूँ, उसमें थोड़ी डिटेल दी है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, एक मिनट। मैम लंबा ना चला जाए सेशन, तो चला जाए तो चला जाए, दो पार्ट में हो जाएगा, बिग डील, एक मिनट। ठीक है, हाँ अच्छी बात है, कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ मतलब बात तो पूरी हो जाए। अच्छा, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, कैन यू सी दिस डायग्राम, दिख रहा है? हाँ, बहुत क्लियर तो नहीं है मैम, थोड़ा और पास करो, एक मिनट थोड़ा पास करूंगा, और एक मिनट। ये जो मैं आपको अभी बता रही थी ना, फोकस ऑन कंटेंट लार्ज गैलरी, मैं इसमें खुद को कैसे वो बड़ा करूं, एक मिनट, ताकि स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। ओके, सो अब दिखाई दे रहा है? हाँ मैम, अब दिखा, अब दिखा। ओके, तो ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी ना, ये वाला कि इसके नीचे से शुरू होता है, जहां से ये खत्म होता है वहां से दोबारा ये शुरू हो जाता है, ये वही है। ओके, ये इस तरह से एक खत्म हुआ यहाँ पे, यहां से दूसरा शुरू हो गया, इस तरह चेन बनती जाती है, जैसे हमारा डीएनए होता है। ओके, ऊपर ये है मैम, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे मंडलास आपस में कनेक्टेड होते चले जा रहे हैं, चक्रास हैं, चक्रास। अच्छा, अब मैं आपको इस पे बताती हूँ, जो इसमें लिखा है मैं वो बताती हूँ आपको, ठीक है? ये है कीथर क्राउन चक्रा, चोकमा और बीना के बीच में ये है थर्ड आय चक्रा, ये जो रास्ता है बीच में। डाथ यहाँ पे थ्रोट चक्रा है जो यहाँ पे दिखाया नहीं गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं चेसिड, CHESED, ये है जेब्यूरा, GEBURAH, इसके बीच में है हार्ट चक्रा। ओके, ये दोनों थर्ड चक्रा हो गया, थर्ड आए, ये दोनों हार्ट चक्रा हो गया, इसके बीच में यहाँ थ्रोट चक्रा, यहाँ पे टिफरेथ, TIPHARETH, ये है आपका सोलर प्लेक्सस, और ये जो दो चक्रा हैं इसको बोलते हैं सेक्रल चक्रा, नेटजैक और हॉड, येसोड। मैं वहां पे पहले गलत बोल रही थी, जो उसमें लिखा हुआ था, यहाँ जो लिखा था उसके हिसाब से मैंने बोल दिया, मैं वहां गलत थी, यहाँ पे जो बुक में दिया है ये येसोड है रूट चक्रा, ये है मालकोट अर्थ स्टार चक्रा। अब ये अर्थ स्टार चक्रा जो है ये हमारे पैरों के नीचे होता है, तलवों से 6 इंची नीचे। ओके,
नाउ एक काम करते हैं, ये खत्म होने के बाद सेशन मैं आपको बुक में क्या लिखा है वो पढ़ के सुना दूंगी, अभी हम सेशन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो द इंटेंट ऑफ द प्रैक्टिशनर, अच्छा, एज एन एंडिंग आई विल जस्ट आस्क, इज इट पॉसिबल देन फॉर द इप्सिसिमस टू हैव ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी और मस्ट ही बी नीदर? We shall respond to the meaning of this term in a specialized sense. The ipsissimus is one who has mastered the tree of life and has used this mastery for negative polarization. Wo kehta hai ki ipsissimus jo hota hai, kya uski positive ya negative polarization ho sakti hai? Meri jo teacher thi jisne mujhe kabala sikhaya tha 3 baar, usse main puchungi agar wo aake is bare mein kuch samjha saki to. Filhal ये कहता है कि नहीं, रा कहता है कि इसका मतलब ये है कि स्पेशलाइज सेंस में बताएंगे इप्सिसिमस ट्री ऑफ लाइफ जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये इसको ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं, इसको मास्टर कर चुका है, इसका इस्तेमाल मास्टर कर चुका है, लेकिन वो उसे नेगेटिव चीजों के लिए इस्तेमाल करता है. और डॉन कहता है थोड़ा कौन है ये इप्सिसिमस, ये मुझे नहीं पता. इप्सिसिमस वो कह रहे हैं ना, इप्सिसिमस वो होता है जिसने, वो इंसान जिसने ट्री ऑफ लाइफ को मास्टर कर लिया और उसको नेगेटिव के लिए, मतलब सर्विस टू सेल्फ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसको इप्सिसिमस बोलते हैं. दैट्स व्हाट आई नो. बाकी मैंने इप्सिसिमस पहली बार सुना है. एक मिनट मैं गूगल करके देख लेती हूँ. Ipsissimus is a quite hard to translate from Latin to English, but is essentially the superlative of self, translating rather approximately to his most selfness or selfest. मतलब वो जो इंसान service to self की तरफ है, इसका मतलब वो है Ipsissimus, service to self वाले इंसान को Latin language में बोला जाता है. तो डॉन कहता है थोड़ा हम भटक गए ट्रैक से, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो जानना चाहते थे कार्ला के बारे में, ये सेशंस को रेगुलेट करने के लिए, वो हम कर पाए. और थोड़ा सा आप मुझसे सब्र रखें कि मैं कई बार हो सकता है कि सही सवाल नहीं पूछ पाता, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजों की गहराई तक जाने में मैं भटक जाता हूं. यस, दैट्स इट, इट्स ओवर, दिस सेशन इज ओवर, दिस 44 सेशन. तो मैं इसे जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, या किसी का कोई सवाल है? मैम ये तो बड़ी हार्डकोर नॉलेज दी है इसने, तो नहीं, हमें तो अभी समझ नहीं आएगा. Honestly speaking, मैंने आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं बताया, एक सुई की नोक जितना बताया. ये इतना गहरा है कि मैं आपको बता रही हूँ ना, 3 बार अपनी टीचर को जाके उससे सीख के भी मेरे दिमाग में पूरी तरह, अगर मैं कहूँ ना कि आ गया, नहीं आया है, नहीं आया है. तो ये बहुत... मैं, मेरे को लग रहा है कि ये जो सवाल इसने पूछे है ना, ये उस बुक से पूछे हैं, ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन, क्योंकि उसका उसकी मास्टरी कर रखी थी इसने, डॉन ने. हो सकता है, हो सकता है, वो ये मुझे भी फिर पढ़नी पड़ेगी. फिलहाल मैं ये सेशन बंद करके आपको ये बुक में इसके बारे में क्या लिखा है, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के सुनाऊं, नहीं तो हम अगला सेशन करते हैं.